हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉ सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास नाइन फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन जिसका चैप्टर ट्वेंटी थ्री सोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की एक्सरसाइज ट्वेंटी थ्री आज हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के पहले वाली एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो जहाँ पर आपने जो भी वीडियो नहीं देखा है या कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और अगर मेरा कंटेंट ये जो मैं वीडियो में डाल रही हूँ अगर अच्छा लग रहा हो और मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं और किस स्कूल में आप पढ़ते हैं सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ए बी सी राइट एंगल डॉट बी ए बी इज फाइव सेंटीमीटर एंड ए सी बी इज थर्टी डिग्री फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं विच इज राइट एंगल डॉट बी बी पर हमने राइट right एंगल बना लिया लेट इस मार्क दिस एज सी एंड दिस एज बी एंगल ए सी बी की वैल्यू गिवन है थर्टी डिग्री ए बी फाइव सेंटीमीटर तो आपको बी सी जिसको अगर हम बेस एज्यूम कर लेते हैं और ए सी जिसको हम हाईपट न्यूज ले लेते हैं ठीक है तो एज वी नो दैट ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री के अपोजिट पर होता है पर अपॉन हाईपट क्या हो जाएगा साइन थर्टी डिग्री ठीक है ए बी की लेंथ हमारे पास है ए सी फाइंड करना है साइन थर्टी इज हाफ सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इस साइड इसको इस साइड तो ये हो जाएगा फाइव इंटू टू दैट इज टेन सेंटीमीटर तो ए सी की लेंथ आ गई है हमारे पास टेन सेंटीमीटर ठीक नेक्स्ट वी कैन फाइंड इट लाइक बी सी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू कॉस थर्टी डिग्री ठीक बेस अपॉन हाईपट होता है कॉस और बी सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है हाईपट है हमारे पास टेन जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है एंड कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू ठीक है सो बी सी को हम लिख पाएंगे टेन बाई टू रूट थ्री सो फाइव टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा सो इट इज़ फाइव अंडर रूट थ्री सेंटी सेंटीमीटर तो बेस हमारे पास आ गया है फाइव रूट थ्री सेंटीमीटर तो इस तरीके से आपको यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इज़ फाइव सेंटीमीटर ए सी इज़ टेन सेंटीमीटर डिटरमाइन एंगल ए बी बी ए सी एंड एंगल ए सी बी लेट दिस बी अ राइट एंगल ट्राई एंगल राइट एंगल डैट बी ठीक मार्किंग दिस इज ए बी एंड दिस इज सी ए बी इज फाइव सेंटीमीटर ए सी इज टेन सेंटीमीटर आपको एंगल बी ए सी ये वाला फाइंड करना है एंड एंगल ए सी बी ये वाला फाइंड करना है ठीक है और ये साइड हमको पता नहीं है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ये है और हाइपटन्यूज ये है हम इसका एंगल मान के दैट इज साइन सी ये वाला एंगल साइन सी हम लिख सकते हैं एज परपेंडिक्यूलर अपॉन हाइपटन्यूज सो so, साइन सी इज इक्वल टू ए बी फाइव ए सी टेन विच इज वन बाई टू विच इज़ इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री हम इसको लिख सकते हैं सो ऑन कंपेयरिंग देयर फोर एंगल सी कितना आ हाँ गया हमारे पास थर्टी डिग्री ये है हमारे पास थर्टी डिग्री ठीक है अब हम यहाँ पर या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या फिर हम इसको फिर से इसको बेस लेके इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम इसको कॉस ए लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपटन्यूज बेस इज ए बी हाईपोटन ए सी तो हम इसको लिख पाएंगे हम कॉस सिक्सटी डिग्री में लिख सकते हैं देर फोर एंगल ए जो है दैट इज सिक्सटी डिग्री ठीक है ना या तो आप थर्ड साइड फाइंड करके ए सी से वैल्यूज फाइंड करके और सोल्व कर सकते हैं नहीं है तो हमको साइड नहीं निकालनी तो हम डायरेक्टली इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इससे हम वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी लेंथ ऑफ ए सी एंड ए डी आर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंगल बी इज़ फोर्टी फाइव डिग्री एंड एंगल सी इज़ थीटा फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी बी सी एंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल थीटा तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज टी और ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन है ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी ए सी की लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर ए डी की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर तो आपको एंगल बी भी गिवन है 45 डिग्री एंगल सी यहां पर है थीटा फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी बी सी आन एंगल थीटा तो एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाईपिट है तो हम लिख पाएंगे एज़ साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी ठीक है ए डी है टेन ए सी है ट्वेंटी ये दोनों कैंसिल वन बाई टू होता है साइन थर्टी डिग्री में ठीक है तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से थर्टी डिग्री ठीक है अब हमें पहले बी डी चाहिए बी डी के लिए हम इसको बेस ले लें और इसको हाइपोटेन्यूज ले लें इन ट्रायंगल ए बी डी कॉस फोर्टी फाइव डिग्री को हम कैसे लिखेंगे बेस बी डी कॉस की जगह यहाँ पे हमको टेन लेना पड़ेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए ए डी अपॉन बी डी टेन फोर्टी फाइव इज वन ए डी इज़ टेन एंड बी डी हमको फाइंड करना है सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाई टेन सेंटीमीटर ठीक अब यहाँ से हमें एंगल थर्टी डिग्री हमने डिटरमाइन कर लिया था इसका बेस निकाल दें तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू सी डी हमको फाइंड करना है ए सी इज ट्वेंटी सो इट इज गोइंग टू बी टेन रूट थ्री विच इज इक्वल टू सी डी तो सी डी की लेंथ आ गई है टेन रूट थ्री यहाँ पर बी डी की वैल्यू टेन आ जाएगी इट इज़ नॉट वन बाई टेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर आएगा और यहाँ पर ये आ गया टेन रूट थ्री तो अब हम बी सी को लिख पाएंगे एज बी डी प्लस डी सी बी डी इज़ टेन बी सी इज टेन रूट थ्री टेन हमने कॉमन लिया वन प्लस रूट थ्री रूट थ्री की वाल्यू हमें पता है इट इज़ वन पॉइंट सेवन थ्री टू

मार्किंग दसाज ए बी सी एंड डी ए बी की वैल्यू है फिफ्टीन सेंटीमीटर एंगल बी ए सी इसको हम ज्वाइन कर देते हैं सो एंगल बी ए सी दिस इज सिक्सटी डिग्री और रैक्ट की हमें प्रॉपर्टी पता है कि सारे एंगल्स कितने होते हैं नाइन्टी डिग्री ठीक है तो आपको साइड बी सी फाइंड करना है सो so नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी तो इसके लिए हमको बी सी फाइंड करना है तो हम टेन सिक्सटी डिग्री कैसे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी टेन सिक्सटी डिग्री इट इज़ रूट थ्री बी सी हमको फाइंड करना है ए बी इज़ फिफ्टीन सो बी सी इज़ इक्वल टू फिफ्टीन रूट थ्री सेंटीमीटर आप चाहें तो फिफ्टीन इंटू इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इन अ रैक्टेंगल ए बी सी डी ए बी इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर एंगल बी ए सी इज सिक्सटी डिग्री फाइंड द डायगोनल ए सी एंड बी डी तो यहाँ पर हम एक रैक्टैंगल बना लेते हैं मार्किंग एज ए बी सी And हमको ए बी की लेंथ गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड बी ए सी इज गिवन सिक्सटी डिग्री ठीक तो हमको डायगोनल ए सी फाइंड करना है और जो लेंथ ए सी की होगी वही लेंथ बी डी की होगी इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल ठीक है तो पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी और ये सारे एंगल्स कितने होते हैं नाइन्टी डिग्री ठीक है तो हम इस ट्रायंगल के अंदर कॉस 60 डिग्री डिटरमाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेस ए बी अपॉन हाइपटन्यूज ए सी कॉस सिक्सटी डिग्री इज हाफ ए बी इज़ ट्वेंटी ए सी हमको निकालना है सो तो ए सी विल बी फोर्टी सेंटीमीटर अब ये हमें फोर्टी सेंटीमीटर मिल गया है तो यही लेंथ बी डी के लिए हो जाएगी सो तो इन रैक्टेंगल A B C D diagonals are equal. So A C is equal to B D is equal to 40 centimeter. Hence this is the answer. Question number six in a rhombus A B C D the length of each side is 15 centimeter. Angle a is 60 degree. Find the length of its diagonal A C and B D. ये हमारे पास रामबस है मार्किंग सिस्ट ए बी सी एंड डी सेंटर एज़ ओ तो रामबस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं सो दिस इज़ 15 सेंटीमीटर दिस इज़ आल्सो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है एंड दैट टू एट 90 डिग्री ठीक तो ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी ये भी हमको पता चल गया ये नाइन्टी डिग्री होता है ये भी हमको पता चल गया एंगल ए कंप्लीट इट इज सिक्सटी डिग्री ठीक है ना और ये जो डाइगनल है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा सो इट इज़ गोइंग टू बी थर्टी डिग्री तो यहां पर हम लिख सकते हैं डाइगनल बाइसेक्ट द Angle of rhombus and bisect each other at ninety degree thick. सो इन ट्राएंग ए बी हमको ये साइड पता है हाईपटन्यूज़ तो so हम ये साइड निकाल सकते हैं तो वी कैन से दैट कॉस थर्टी डिग्री एंगल के साथ जो बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी बेस ओ ए अपॉन ए बी कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाई टू ओ हमको फाइंड करना है ओ बी इज़ फिफ्टीन सो ओ एज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू रूट थ्री एंड ए सी इज टू टाइम्स ए क्योंकि ये बाई सेक्ट कर रहा है तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी टू टाइम्स फिफ्टीन बाई टू अंड रूट थ्री ये कैंसिल आउट हो गया इट इज़ फिफ्टीन अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर ठीक अब हम इसी ट्राइंगल में ले लेंगे साइन थर्टी डिग्री विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाईपिट न्यूज ओ बी अपॉन ए बी साइन थर्टी इज़ हाफ ओ बी हमको डिटरमाइन करना है ए बी इज़ फिफ्टीन सो ओ बी इज़ फिफ्टीन बाय टू सेंटीमीटर अगर आपको बी डी डिटरमाइन करना है सो इट इज़ टू टाइम्स ओ बी सो टू इंटू फिफ्टीन बाय टू सो इट इज़ गोइंग टू बी फिफ्टीन सेंटीमीटर सो ए सी की लेंथ है फिफ्टीन रूट थ्री सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ है फिफ्टीन सेंटीमीटर हैंस दीज आर देंथ ऑफ टाइगनस क्वेश्चन नंबर सेवन इन द गिविन फिगर ए बी इज़ पर पेंडिक्यूलर टू बी सी एंड डी सी इज़ पर पेंडिक्यूलर टू बी सी एंड बी डी इज़ पर पेंडिक्यूलर टू ए सी ये दोनों भी पर पेंडिक्युलर हैं एन एंगल डी इज थर्टी डिग्री डी सी इज़ सिक्सटी रू थ्री मीटर्स फाइन द लेंथ ऑफ ए बी आपको ए बी डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी ठीक है दिस इज थर्टी डिग्री दिस इज बेस एंड दिस इज़ पर पेंडिक्युलर तो पर पेंडिक्युलर अपॉन बेस दैट इज टेन थर्टी डिग्री हम इसको लिख पाएंगे एज बी सी बाय सी डी टेन थर्टी इज़ वन बाय रूट थ्री बी सी हमको डिटरमाइन करना है एंड सी डी इज सिक्सटी रूट थ्री सो बी सी की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटी रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिक्सटी मीटर्स सो बी सी आ गया हमारे पास सिक्सटी मीटर्स अब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी दिस इज बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर और हमको ये एंगल इसका डिटरमाइन करना पड़ेगा इसके लिए सबसे पहले हम दिस इज नाइन्टी डिग्री ठीक है ना ये क्या है नाइन्टी डिग्री तो ये वाली की लेंथ भी नाइन्टी डिग्री हो जाएगी मान लेते दिस इज ओ सो डी ओ सी भी नाइन्टी डिग्री हो जाएगा इफ दिस इज थर्टी डिग्री इन ट्राइंगल डी ओ सी एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए वन एट्टी डिग्री ये ट्राइंगल में ठीक है ना तो ये हमारे पास है थर्टी डिग्री ये हमारे पास है नाइन्टी डिग्री तो एंगल सी हम निकाल देंगे सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ट्वेंटी सो एंगल सी विल बी सिक्सटी डिग्री वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी इज़ सिक्सटी डिग्री तो ये जो एंगल है इतना एंगल कितना आ गया सिक्सटी डिग्री एंड दिस कंप्लीट एंगल डी सी बी इज़ नाइन्टी डिग्री बिकॉज डी सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी गिवन है हमको और इसको हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास डी सी ओ सिक्सटी डिग्री एंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू नाइंटी सो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री नाइन्टी माइनस सिक्सटी ये एंगल आ गया हमारे पास अब थर्टी डिग्री ठीक है सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थर्टी डिग्री विल बी इक्वल टू पर पेंडिक्यूलर ए बी अपॉन बेस बी सी टेन थर्टी इज वन बाय रूट थ्री विच इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी दैट इज़ सिक्सटी सो इट इज़ ए बी इज एकवल टू सिक्सटी रूट थ्री आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए सो दिस बिकम सिक्सटी रूट थ्री बाय थ्री ये कैंसिल आउट हो गया ट्वेंटी टाइम्स सो ट्वेंटी रूट थ्री मीटर्स इज़ देंथ ऑफ ए बी ठीक है एंगल आपको डिटरमाइन करना मैं फिर से बता देती हूँ ये थर्टी डिग्री है इस ट्राएंगल में ये हमको परपेंडिकुलर गिवन है तो अंदर वाला एंगल भी नाइन्टी डिग्री हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन दी ट्राइंगल इज़ वन एटी डिग्री दिस थर्टी दिस नाइन्टी सो दिस कम्स आउट टू बी सिक्सटी डिग्री ठीक है ये इसके परपेंडिकुलर है दिस इज़ नाइन्टी डिग्री ये वाला सिक्सटी है तो माइनस करके ये एंगल कितना आ जाएगा थर्टी डिग्री तो इससे हम ट्राइंगल ए बी सी में a b find curse moving on to the next question question number 8 in the given figure abcd is a trapezium with angle c is equal to 180 degree 120 degree question number 8 in the given figure abcd is a trapezium with angle c is equal to 120 degree this angle is 120 डी सी इज़ ट्वेंटी एट बी सी इज़ फोर्टी सेंटीमीटर फाइन द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए डी तो हम ये ट्राएंगल ले लेते हैं बिकॉज ये नाइन्टी डिग्री है तो ये भी नाइन्टी डिग्री हो जाएगा इन ट्राएंगल बी ई सी जैसे सिक्सटी डिग्री तो हम इसको लिख पाएंगे एज साइंस सिक्सटी डिग्री पर पेंडिक्यूलर सी ई अपॉन हाइपटन्यूस बी सी साइंस सिक्सटी इज़ रूट थ्री बाय टू सी ई हमको डिटरमाइन करना है एंड बी सी इज़ फोर्टी तो सी ई e की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी रूट थ्री सेंटीमीटर टू से ये कैंसिल हो गया ट्वेंटी टाइम्स तो सी ई e की लेंथ आ गई है हमारे पास ट्वेंटी रूट थ्री और ये अगर हम देखें एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो वही लेंथ हम ए डी के लिए लिख पाएंगे दैट इज़ ट्वेंटी रूट थ्री नेक्स्ट वी हैव कॉस सिक्सटी डिग्री दैट इज बेस बी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज़ बी सी कॉस सिक्सटी इज़ वन बाई टू बी ई हमको डिटरमाइन करना है बी सी इज़ फोर्टी सो बी ई इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर बी की वैल्यू ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया है एंड ए ई इज़ इक्वल टू सी डी विच इज़ ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सो कंप्लीट ए बी इज द सम ऑफ ए ई प्लस बी ई दैट इज ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी फोर्टी एट सेंटीमीटर सो लेंथ ऑफ ए बी इज़ फोर्टी एट सेंटीमीटर सो हैं दीज आर दी सोल्यूशन्स आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग जहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग